हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिज़ाइनर बेबी गाउन बनाना बताऊंगी। ये मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 1 मीटर, और मैंने अस्तर लिया है, और 2 मीटर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। ऊपर से टॉप पार्ट की लंबाई में 12 इंच रखूँगी। और इसका शोल्डर में 5.5 इंच रखूँगी। आर्म होल की लेंथ भी मैं 5.5 इंच रखूँगी। और यहाँ पे हमें निशान लगा देना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 5.5 इंच पर। गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रखूँगी। और फ्रंट के गले की लंबाई में 3 इंच रखूँगी। और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट नेक के लिए। और बैक नेक की गले की लंबाई में 1.5 इंच रखूँगी। और यहाँ पे भी हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारी बेबी की जो भी हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। आर्म होल के लिए मैं 1 इंच का गैप देते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी। और यहाँ पे हमारी कमर की चौड़ाई आएगी। मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे। हमें सिर्फ बैक नेक की कटिंग करनी है। अभी इसमें से एक पार्ट को निकालते हुए हम फ्रंट नेक पर कटिंग करेंगे। आर्म होल की साइड से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और जब हमने फ्रंट नेक का गले का निशान लगाया है वहाँ तक हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये हम फ्रंट नेक में करेंगे और इसे भी हम कट कर देंगे। हल्का सा हमें राउंड शेप देना है। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लंबाई भी मैं 12 इंच रखूँगी। और जो ऊपर का पार्ट हमने कट किया था उसे इस तरह से रखते हुए हमें मार्क कर देना है। यहाँ पे हमारे 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा हिप का मेजरमेंट आएगा। हिप हमारी बेबी की जो भी हो उसे भी डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1 इंच ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है और लाइन ड्रॉ कर दी है। नीचे से भी हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हम कट कर देंगे। ये मेरे बॉटम पार्ट के 2 पार्ट है, फ्रंट और बैक के। अभी मेन फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करते हुए अस्तर के पार्ट को रखकर सेम मेजरमेंट से हमें इसकी कटिंग कर देनी है, फ्रंट की और बॉटम की। ऊपर के पार्ट की और नीचे के पार्ट की हमें सेम कटिंग कर देनी है। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारे 2 पीस है। अभी जॉर्जेट फैब्रिक को मैंने ट्रायंगल शेप में बिछा दिया है और ऊपर के पार्ट को इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है राउंड शेप में। इसकी लंबाई में 25 इंच रखूँगी। ऊपर से हमारा जितना भी मेजरमेंट आता है वहाँ पर हमें निशान लगा देना है। और पूरे राउंड में हमें इस तरह से निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी इसे हम कट कर देंगे। ये मैंने घेरे की कटिंग कर दी है। अभी हम बैक पार्ट में एक कट लगाएंगे 5 इंच तक। 5 इंच तक मैंने एक निशान लगाया है और यहाँ पे हम कट लगाएंगे। सेंटर में हमें बिल्कुल कट लगा देना है। दोनों पीस को एक साथ रखते हुए हमें इसमें कट लगाना है। अभी राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखना है
और इसके आर्म होल में और नेक लाइन में और जो हमने कट लगाया है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है दूसरे आर्म होल तक। हमें इसके आर्म होल में और नेक लाइन में ही सिलाई लगा देनी है और फ्रंट पार्ट में मैंने इस तरह से कटिंग की हुई है। अस्तर में हमें इस तरह से टू फोल्ड करते हुए इसमें राउंड में सिलाई लगा देनी है नेक पार्ट में और उल्टी साइड से हमें रखना है अस्तर को और सिलाई लगा देनी है साइड से आर्म होल पे और हम इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर देंगे। ये मैंने इसके नेक पार्ट में सिलाई लगा दी है। अभी इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे हम उल्टी साइड पलट देंगे। अस्तर पार्ट को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। अभी इस पर हम कवर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमें कवर सिलाई लगा देनी है और साइड से अस्तर के साथ इसे जॉइंट कर देना है। ये मैंने इसकी बॉर्डर को टू फोल्ड कर दिया है नेक की बॉर्डर को और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर दिया है और एक तिरछी पट्टी कट करके हमें इसके आर्म होल पर अटैच कर देनी है और उसे नेक पर भी हम इस तरह से तिरछी पट्टी अटैच करेंगे और उसे टू फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देंगे। दोनों आर्म होल पर हमें इसी तरह से पट्टी अटैच करनी है। उसके बाद राइट पार्ट के ऊपर रॉन्ग पार्ट को रखते हुए हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर देने हैं। ये मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं और तिरछी पट्टी भी इसमें अटैच कर दी है दोनों आर्म होल पर। अभी हम इसकी साइड से फिटिंग कर देंगे। 1 इंच का गेप देते हुए दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग कर देनी है। नीचे के बॉटम पार्ट को हमें अस्तर के साथ चारों साइड से सिलाई लगाकर जॉइंट कर देना है। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर देना है अस्तर के साथ और राइट पार्ट के ऊपर रॉन्ग पार्ट को रखते हुए साइड से हम इसकी फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड से हमें 1 इंच का गेप देते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक का हमने घेर कट किया था जो साइड का कट है वहाँ पर हमें टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है नीचे तक। दोनों साइड से हम टू फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हमें इसके सेंटर में एक निशान लगा देना है और 2 इंच का गैप देते हुए हम साइड पर भी एक निशान लगा देंगे। दोनों साइड से हमें 2 इंच का गैप देते हुए निशान लगा देना है। इसमें हम घेरा जॉइंट करेंगे जो हमने बॉर्डर को टू फोल्ड किया हुआ था जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से रखते हुए हमारी इसमें 2-3 प्लीट्स आएंगी सिर्फ आगे की साइड और इस तरह से हमें इसे पूरे में जॉइंट कर देना है। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक ही हमें जॉइंट करना है। और जो हमारा बॉटम पार्ट है उसे भी हम घेरे के ऊपर रखते हुए इसके साथ जॉइंट कर देंगे पूरे राउंड में। उल्टी साइड से रखते हुए हमें इसके साथ जॉइंट कर देना है। अभी इसे हम सीधा कर देंगे तो हमारा बॉटम पार्ट और घेरा दोनों जॉइंट हो जाएंगे। ये मैंने दोनों को जॉइंट कर दिया है। अभी इसकी बॉर्डर को हम टू फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे और जो हमारा घेरा है उसमें भी हम टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे या फिर आप इसे स्टिच भी करवा सकते हैं। और इस तरह से डिज़ाइनर इस तरह से हमारा बेबी डिज़ाइनर गाउन बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।